लाइव प्रोग्राम आप एसआर स्टूडियो से देख रहे हैं। नागौर जिला की खरनाल गांव की इस पावन पवित्र धरा पर सत्यवादी वीर तेजा जी की जन्म स्थली पर मेरे समक्ष उपस्थित इस समारोह में आए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर के दो जय घोष के नारे आपसे लगवाना चाहूँगा। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, मंचासीन इस जन्म ट्रस्ट के अध्यक्ष और आज के आयोजन के आयोजककर्ता माननीय सुखराम जी खुड़खुड़िया साहब, राजस्थान सरकार के पूर्व में रहे मंत्री और मेरे साथी सम्माननीय चौधरी राजेंद्र जी, पूर्व में रहे सांसद सम्माननीय जाखड़ साहब एवं सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, बड़े लंबे समय से गर्मी के इस मौसम में आप लोग बैठे हुए हो। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने वीर तेजा जी के जीवन से जुड़ी हुई बातों से आपको अवगत कराया और आप तो इस इलाके के रहने वाले हो, आपको अवगत कराने की आवश्यकता ही नहीं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि वीर तेजा जी के जन्म स्थान को एक भव्य स्वरूप दिया जाए। मुझे 2 महीने पहले यहाँ आने का अवसर मिला था, मैं नहीं आया था, वीर तेजा जी ने बुलाया था। और जब मैं यहाँ आया देखा तो मुझे महसूस हुआ, मैंने इसी स्थान पर मंच पर खड़े होकर के कहा था कि हमारे से छोटे छोटे समाज के लोग अपने उन महापुरुषों को भव्य स्वरूप दे करके उन स्थान को पूजने का काम करते हैं। हमारा समाज तो उनसे कहीं बहुत बड़ा है, हम सबको भी मिलकर के इस बात का प्रयास करना चाहिए। और आज मुझे कहते हुए अपार प्रसन्नता और खुशी हो रही है कि जो बात 2 महीने पहले मैं कह करके गया, यहाँ के ट्रस्ट के साथियों ने उसे महसूस किया, उन्होंने राय की और मेरे पास सिरसा गए और उन्होंने कहा कि आप ही आकर के इस पुनित कार्य को करें। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, कोई राजनीतिक मंशा और सोच से नहीं, राजनीति की शुरुआत तो मैंने इसी राजस्थान की पावन धरा से की थी। यहां से एक बार नहीं 2 बार मैं विधायक बना और चाहता तो निरंतर राजस्थान के लोग मुझे सेवा का अवसर देने का काम करते हैं, परंतु हरियाणा के लोगों को भी आवश्यकता थी, मैंने वहां पर जाकर के राजनीति शुरू की और वहां के लोगों ने भी मुझे पूरा मान सम्मान देने का काम किया। चाहे वो सांसद के रूप में चाहे विधायक के रूप में, उन्होंने हमेशा चुनने का काम किया। तो इस सोच से कहीं मैं पुनः राजस्थान
कि इस पावन धरा पे नहीं, मैं तो वीर तेजा जी की इस जन्म स्थली को भव्य स्वरूप मिले, ये ऐसा पर्यटन स्थल बने कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आए और यहाँ आकर के देखें कि जाट समाज के उस महान योद्धा ने, जिसने अपने समाज के लिए नहीं दूसरों के लिए अपना जीवन नुछावर करने का काम किया था, आज सर्व समाज के लोग उन्हें उनके स्थान पर जाकर के नतमस्तक हों, नमन करें, इस सोच के साथ यहाँ पे एक भव्य स्वरूप देने का एक प्रोग्राम सब साथियों के साथ मिलकर के बनाया है। और इस काम को कोई अकेला अजय सिंह चौटाला नहीं कर सकता, मैं तो इसमें योगदान दे सकता हूँ। उस दिन भी यहाँ खुले मन से कह करके गया था कि ये ब्लैंक चेक है, जितना आप भर लो इतना मैं देने का काम करूँ। पर पीछे से जब मैंने कुछ सुना कि कुछ लोगों ने, सुखदेव जी ने मुझे बताया कि कंडीशन लगाई कि पहले 15 करोड़ डिपॉजिट कराओ, 50 करोड़ डिपॉजिट कराओ। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आजकल आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हो ना ईडी, वो अगले दिन ही पीछे लग जाती है। मेरी तो ये हैसियत नहीं है कि मैं 15 करोड़ और 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराऊं, पर इतनी हैसियत जरूर रखता हूं कि जो आज नींव में रख करके आया हूं, उस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, भव्य इमारत यहां पर बनेगी और एक दिन भी करंडी नहीं रुकेगी, काम नहीं रुकेगा। हर महीने मैं स्वयं यहां पे आऊंगा काम का निरीक्षण करने के लिए और जो भी कोई कमी होगी उसकी पूर्ति करने के लिए। बाकी तो सबका काम है, मेरी हैसियत 5 देने की है, आपकी हैसियत 5 पैसे देने की है, तो समाज का कार्य है, सब मिल करके करें। याद होगा जब श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में राम सेतु बन रहा था, जब सारे लोग उस काम में लगे हुए थे, एक गिलहरी भी वहाँ पे थी जो कभी भाग के समुद्र के पानी में जा रही थी, कभी रेत में लिपट करके फिर समुद्र में जा रही थी। तो किसी ने पूछा कि तेरा इसमें क्या योगदान है, कि भाई आप बड़े पत्थर उठा करके डाल सकते हो, आप बड़ा काम कर सकते हो, तो मेरा भी योगदान है, मैं भी कोई रेत का कण तो जरूर छोड़ करके आ रही हूँ। इसलिए इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप एक एक घर से एक एक ईंट पहुँचाएं, इस निर्माण कार्य में सहयोग दें और आज इस निर्माण कार्य में सहयोग देने के लिए नोखा के हमारे शेरा राम जी, कन्हैया लाल जी सिहाग ने अभी मुझे कहा कि 10 लाख रुपए मेरी तरफ से भी आप घोषित करने का। मैं इनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। इसी तरीके से आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जिसकी जो हैसियत है, कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं, आप 5 पैसे का योगदान दें, 5 लाख का दें, 50 लाख का दें, पर योगदान दें। आपके योगदान से जो भव्य स्वरूप यहाँ पे खड़ा होगा, उस पे पूरे संसार के लोग देखने आया करेंगे। ये सोच के साथ हम आगे बढ़े, यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। और जैसा मैंने कहा कि हर महीने मैं आऊँगा, स्वयं कार्य का निरीक्षण भी करूँगा, ट्रस्ट के साथियों से मिलकर के जो भी कोई कमर कसर कोताही रहेगी उसे पूरा करने का काम करूंगा। यही कहते हुए आप सब लोगों का, जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, यहाँ पर पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और मेरे अजीज रंजीत धोलिया जी, पूर्व छात्र नेता का भी स्वागत करता हूँ, उन्हें मंच आसीन तमाम नेताओं का
वरिष्ठ साथियों का बहुत बहुत आभार, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद। बोलिए श्री तेजाजी महाराज की।